नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय मंत्री राज चंद्रशेखर ने रघुराम राजन को बताया असफल अर्थशास्त्री, बोले RBI गवर्नर रहते बैंकिंग सिस्टम को किया बर्बाद। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रघुनाथ राजन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने RBI गवर्नर के पद पर रहते हुए पूरे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रघुराम राजन को बताया असफल अर्थशास्त्री। राजीव चंद्रशेखर ने रघुराम राजन पर हमला बोलते हुए कहा कि वो तय कर ले क्या वो असफल राजनेता है या असफल अर्थशास्त्री। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर थे तो उन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सेक्टर को बर्बाद कर रख दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था प्रायोजित एक्सपर्ट। राजीव चंद्रशेखर पहले BJP नेता नहीं है जिन्होंने रघुराम राजन पर हमला बोला है। इससे पहले वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2022-2023 के 7.2% GDP आंकड़े घोषित होने के अगले ही दिन 1 जून या 2023 को BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहाने रघुराम राजन पर हमला बोला था। उन्होंने रघुराम राजन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रायोजित एक्सपर्ट की भी सभी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से आए निशाने पर रघुराम राजन जब से राहुल गांधी के साथ उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे तभी से पूर्व RBI गवर्नर BJP के निशाने पर आ गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर रघुराम राजन का इंटरव्यू भी किया। इसी इंटरव्यू में रघुराम राजन ने कहा था कि अगले वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% के GDP के आंकड़ों को हासिल कर लेता है। 2022-2023 में GDP 7.2% रहा है। इसके बाद से ही रघुराम राजन की भविष्यवाणी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उनके इस बयान की तीखी आलोचना की जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। JDU नेता नीरज कुमार बोले अगर गोडसे भारत माता का बेटा तो चंबल के डकैत और दाऊद भी, ये सब BJP के प्यारे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत माता का सच्चा बेटा बताया। अब गिरिराज सिंह के इस बयान पर जनता दल के नेता नीरज कुमार ने करारा पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि अगर नाथूराम गोडसे सच्चा सपूत है तो चंबल के डकैत और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी भारत माता के बेटे हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के सभी अपराधी BJP के प्यारे हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह को जवाब देते हुए नीरज कुमार ने कहा है अगर गोडसे जैसा व्यक्ति भारत माँ का बेटा है तो चंबल के डकैत वीरप्पन दाऊद इब्राहिम और विजय माल्यार जैसे आर्थिक अपराधी भी वही हो जाएंगे। ये सब तो भारत माँ के कलंक है जिसने देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी हो वह BJP का प्यारा हो सकता है। गोडसे वीरप्पन दाऊद जैसे लोग BJP के ही प्यारे हैं। क्या बोले थे गिरिराज सिंह? उन्होंने आगे कहा भारत माँ के असली सुपुत भगत सिंह, प्रफुल्ल चंद्र, चाकी अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्लिम होंगे। अकबर, औरंगजेब और शाहजहां तो इसी मिट्टी में पैदा हुए थे। अगर इन तथ्यों की जानकारी BJP को नहीं है तो उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। इससे पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि नाथूराम गोडसे भारत माता के सपूत है, अकबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा इसका मतलब जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और वो कत्ल करता है तो वह भारत माता का सपूत हुआ। सपूत का मतलब तो अच्छा बेटा होता है। क्या गिरिराज सिंह के मुताबिक गोडसे अच्छे पुत्र थे? इसका मतलब है कि गिरिराज जी सरकार के लिए बोल रहे। क्या मोदी जी और अमित शाह भी यही मानते हैं? आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। CM भूपेश बघेल ने स्वीकारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती, धर्मांतरण पर कही ये बात। CM भूपेश बघेल ने धर्मांतरण और SSP पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती स्वीकार की है। CM भूपेश ने इस दौरान MSP पर PM मोदी पर भी तंज कसा, साथ ही भाजपा शासनकाल के दौरान धर्मांतरण का ब्यौरा भी दिया। गिरिराज सिंह की चुनौती CM ने की स्वीकार।
केंद्र सरकार ने धान पर MSP बढ़ाकर किसानों को सौगात दी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CM भूपेश बघेल को चुनौती दी कि ये वो बता दे कि NDA शासन की तुलना में UPA के शासनकाल में धान में कितना MSP बढ़ा दिया। CM भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि किस मंच पर आना चाहते हैं बता दीजिए, UPA और NDA में कितना धान का भाव बढ़ा। हमारी सरकार के 10 साल थे, उनके भी 10 साल हो रहे, उस समय धान में कितना MSP बढ़ाए, हम बहस करने के लिए तैयार है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता उनके इस बारे में बहस कर लेगा। जो स्वाभिमान कमेटी की रिपोर्ट है उस आधार पर हम MSP का रेट बढ़ाना चाहिए। PM मोदी पर हमला, CM भूपेश ने PM मोदी पर हमला बोला। CM के मुताबिक हरियाणा के किसान अभी भी आंदोलन कर रहे। 5 साल में डीजल, पेट्रोल, कृषि यंत्र, रासायनिक खाद के रेट बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले MSP जितना बढ़ा था उतना ही नहीं बढ़ाया गया। इससे किसान विरोधी सरकार का चेहरा सभी के सामने आया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS।